पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के एक छात्र गुट ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों की आंदोलन की सूचना पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर आंदोलन को समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्रों की मांगों पर डटे रहे और आंदोलन को समाप्त नहीं किया। छात्रों की मांग है कि यथाशीघ्र छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोध छात्र अनूप प्रसाद ने कहा, सर हम लोग क्या सर ये कहा जाता है कि किसी का जिंदा बाग मुद्दा बात तो हो ही रहा है। हम लोग अपनी मांग रखते हैं, हम लोगों को धरना हम लोगों का धरना अच्छा नहीं लगता है। धरना करेगा तो हम कोई चीज़ न मान रहे तब तो आप करेंगे। जब हम आपकी बात स्वीकार कर लेते यहीं पर आकर कुछ किए और हम थे घोषणा हुई तो हम कैसे आप सर पिछली बारी भी चुनाव अधिकारी घोषित हो चुके थे। पिछली बारी सर देखिए कभी हो जाती है सर, हमको डर है और हम शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव अधिकारी घोषित हुए 10 दिनों के आपको ये कहा गया की चुनाव होगा तो फिर तुरंत बैठक करके हुआ क्या तुरंत एडमिशन खत्म कर दिया। पिछली बार भी सर यही हुआ था सर, पिछली बार तो टाइम टेबल तक आ गया सर। हम ये बोल रहे हैं कि सर फीस की रसीद अपने में सब कुछ होता है सर, सब फोटो लग रहा है सर, सब फोटो लग रहा है सर, फीस की रसीद में फोटो लग रहा है सर। प्रक्रिया क्यों बढ़ाई जा रही है होता है। सर कहां से आज तक में होगा? देखिए छात्रों ने कभी इसका विरोध नहीं किया सर। जब छात्र चुनाव इसी प्रक्रिया होनी चाहिए चुनाव के लिए एकदम बिल्कुल सर। दो दिन के लोकसभा और विधानसभा 2 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सर, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ था लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सर। हम लोग का बस निवेदन है सर कि कोई भी एक डेट हम लोग को दे दिया है। उसको चाहे दुर्घटना आप मानिए चाहे जो भी मानिए आदमी बाध्य हो जाता क्या करेगा। और हम आपके बैठने का विरोध नहीं कर रहे लेकिन इससे थोड़ी से चुनाव अधिकारी की घोषणा हुए 10 दिन से अधिक हो चुका है और अगर जहाँ तक रही बात परिचय पत्र की तो ये टेक्निकली ठीक है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में बच्चों को परिचय पत्र मिल जाएगा तो आप 2 से 3 दिन में अपनी वो प्रक्रिया पूरी करिए, मगर हम लोग को कम से कम चुनाव की डेट तो दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कल कहेंगे कि चुनाव 3 दिन बाद है। चुनाव अगर आप डेट देते हैं तो उसके 10 दिन बाद आप चुनाव करवाएंगे। तो जब आपको दोनों ही चीज़ लेके चलना, आपने इस बात की गारंटी ले ली कि 2 से 3 दिन में आप परिचय पत्र दे देंगे तो आप इस बात के लिए हम लोग को डेट तक तो दे दीजिए कि आप 15 तारीख को या 20 तारीख को आप चुनाव करवाएंगे। चुनाव अधिकारी का कहना जब किसी भी चुनाव के लिए मतदाता सूची जरूरी होता है, जब तक मतदाता सूची जारी नहीं होगा वो तिथि कैसे घोषित कर देंगे? नहीं नहीं सर देखिए, जो हम लोग को फीस की रसीद मिलती है वो फीस की रसीद हर स्टूडेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लेता है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर अब किस सूची की बात हो रही है? हर डिपार्टमेंट से बच्चों की रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आती है तो वो बच्चे ऑलरेडी मैं खुद विश्वविद्यालय में क्लास लेती हूँ, मैंने अपने सारे बच्चों को और सारे क्लास के हर सब्जेक्ट के बच्चे ये बात मान चुके हैं कि वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो फिर परिचय पत्र की बात कहाँ से आती है? और जहाँ तक रही फीस की रसीद, उसमें बाकायदा बच्चों का पूरा फोटो है। तो ये लोग किस चीज़ का कह रहे हैं कि टेक्निकली मगर हम लोग अब तक आज से कुछ साल जब भी चुनाव हुआ था पिछले बार भी 2016 में उस समय भी कई सारे बच्चों को आई कार्ड नहीं। फिलहाल क्या डिमांड कर रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग चुनाव की तिथि यहाँ मांगने के लिए बैठे हैं कि हम लोग को चुनाव की एक तिथि दे दी जाए, चाहे वो आपके अनुसार 15 तारीख हो चाहे 20 तारीख हो चाहे 10 तारीख हो, मगर हमें चुनाव की तिथि आप दे दीजिए और बाकी आप अपना परिचय पत्र देते रहिए।